in your opinion, does it constitute blasphemy, and should it carry a death sentence to publish, for instance, a cartoon of the Prophet? Whatever was done in Danish newspaper, I agree. Danish is a not Islamic country. And there is no right of any Muslim community to claim Islamization of Denmark. Sharia is not to be enforced in Denmark. Islamic laws and penal system is not to be enforced in Denmark. So it will never be applied here. This is just a matter in the Islamic countries. I believe in democracy. Parliaments have their own choice to make the blasphemy laws or not to make. What kind of punishment they want to formulate and what kind of not. So Danish parliament has its own right, freedom. So I would say no punishment for the cartoons publisher newspaper here in Denmark. सोशल मीडिया पे डॉक्टर साहब आपके दो वीडियोस जो है वो सर्कुलेट करते हैं ऑन ब्लास्फेमी एंड योर स्टैंड्स ऑन दैट वन गोज अगेंस्ट इट वन गोज इन फेवर ऑफ इट आप मैं बता दिस वीडियो विल बी सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया दैट आई एम मेकिंग राइट नाउ व्हिच विल हैव द रियल स्टैंड्स ऑफ डॉक्टर साहब बात यह है कि मेरे स्टैंड्स में कोई कंट्रडिक्शन नहीं है ये बाज लोगों ने पाकिस्तान में मुखालिफ लोगों ने एक गेम खेली है ये जो दो वीडियोस आपको चलते हैं ये मेरे विजिट था डेनमार्क का उस डेनमार्क में डैनिश टीवी ने कुछ सवाल किया कुछ लोगों की वजह से और वो सवाल ये था पहले कि ये जो लॉ बना इस मुल्क में ब्लास्फेमी लॉ उन्होंने किसी ने उनको फीड किया और ये बताया कि वो ब्लास्फेमी लॉ जिस शक्ल में आज एग्जिस्ट करता है आई मीन द सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ बोथ साइड किसी ने कहा कि मैं उनका मिनिस्टर था जनरल जियाउल्लाह की कैबिनेट का और उनका एडवाइजर था तो वो सारा लॉ मैंने बनाया दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन उसके जवाब में मैंने कहा वो जो कहते हैं ना एक व्यू एग्जिस्ट करता है उन्होंने वो क्वेश्चन के बगैर वो जवाब लगा दिया जिसने भी लगा दिया तो वो कॉन्टेक्स्ट के बगैर था जवाब में मैंने कहा कि मैं न कभी जियाउल्लाह की कैबिनेट का मेंबर था न मैं उसका कभी एडवाइजर था और नंबर टू ब्लास्फेमी लॉ जो है वो जो सारा का सारा एज सच एग्जिस्ट करता है ना ये मैंने बनाया था गवर्नमेंट में होते हुए मैंने एक कोर्ट में अब ये दूसरी बात जो एग्जिस्ट जो कह रही है मैंने एक कोर्ट में एक केस में 18 घंटे डिबेट की थी सब्सटेंटिव लॉ पर कि ब्लास्फेमी की सजा सब्सटेंटिव लॉ ये है और वो ये दूसरा मैं मौके बता रहा हूं दोनों चीजें एक ही हैं वो ज्यूइश लॉ में बाइबल में भी वो ये है वो न्यू टेस्टामेंट में ईसा अलैहिस्सलाम का क्रिश्चियन लॉ भी यही है और कुरान मजीद में मुस्लिम लॉ भी यही है ज्यूइश रिलीजन क्रिश्चियन रिलीजन एंड इस्लाम ऑल दीज थ्री रिलीजन दे फ्लोट इन द सेम बोट इन तीनों का इस ब्लास्फेमी पर एक ही कानून है आज एग्जिस्टिंग बाइबल में भी ये है मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उस पर यह है जिसको उन्होंने आउट ऑफ कंटेस्ट लगाया कि सब्सटेंटिव लॉ पे मुझे इख्तिलाफ नहीं है मैं इसमें बिलीव करता हूं मैं इख्तिलाफ करता हूं पाकिस्तान के एग्जिस्टिंग लॉ जो ऑफ लॉ ब्लास्फेमी पर उसके प्रोसीजरल तरीकेकार पर नंबर वन उसका प्रोसीजर गलत है एक SHO एक ASI और एक पुलिस कांस्टेबल जो थोड़े थोड़े पैसे लेके 24 घंटे बिकता है ब्लास्फेमी लॉ जिस पर आप कैपिटल पनिशमेंट देने को जा रहे हैं उसकी केस की FIR की रजिस्ट्रेशन भी वो कर रहा है एक गरीब औरत मर्द हो माइनॉरिटी की कोई जिम्मेदार कोई गुंडा कोई बदमाश जिस पर चाहे ब्लास्फेमी का केस की तोहमत लगाकर वो उसके जाके थाने में FIR दर्ज करा दे दिस इज टोटली अनफेयर मैंने कहा यह पुलिस कांस्टेबल का SHO का राइट नहीं होना चाहिए वेर एवर सच सीरियस पनिशमेंट इज इन्वॉल्व कि वो रजिस्टर करे ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट की सतह पर एक दर्जा अव्वल के फर्स्ट क्लास के मैजिस्ट्रेट के पास रजिस्ट्रेशन के इख्तियारात होने चाहिए वहां जाए और जब रजिस्टर करवाएं तो उस वक्त विटनेस होना चाहिए कि आप किसी के ऊपर एक ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं कि अल्टीमेटली वो उसकी जान लेगा वो पूरा का पूरी उसके ऊपर शहादतें हों और शहादत के बाद उसकी सारी अच्छी तरीके तहकीक करके बेसिक इन्वेस्टिगेशन फिर FIR हो और अगर वो गलत हो जाए किसी के खिलाफ तो मत क्योंकि लोग मिस यूज करते हैं लॉ को दिस इज ए मिस यूज ऑफ लॉ एंड नंबर टू आई डिसएग्री नोबडी हैज ए राइट टू टेक द लॉ इन हिज हैंड एज इट हैज हैपेंड इन पाकिस्तान कि ये कह दिया कि इसने कुरान की बेहरमती की इसने फलां की बेहरमती की और लोग और मुल्ला
और जज्बाती लोग उठ के पकड़ आए और उनको आग लगा दें, कत्ल कर दें। दिस इज नॉट एनी रिलीजन।